जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि दुश्मन देश सेना के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जवानों को हनी ट्रैप में फंसने से बचना चाहिए। ऐसा ही केस जयपुर में उजागर हुआ है। पाक महिला एजेंट के जाल में फंसा भारतीय सेना का जवान किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला एजेंट के हनी ट्रैप में आए भारतीय सेना के जवान शांति मोय राणा को सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल में कंचनपुर जिले का निवासी सैनिक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से महिला एजेंट को सेना के सामरिक महत्व की सूचनाएं भेज रहा था। प्रदेश के महानिदेशक इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसियों द्वारा राजस्थान में की जा रही जासूसी गतिविधियों पर ऑपरेशन सरहद के तहत सीआईडी इंटेलिजेंस की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। इसी दौरान जानकारी में आया कि जवान शांतिमोय राणा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया हैंडलर्स के निरंतर संपर्क में है। इंटेलिजेंस जयपुर की टीम ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान ये पक्का हो गया कि जवान हनी ट्रैप और पैसों के प्रलोभन में आ गया है। वह सेना की सामरिक महत्व की सूचनाएं भेज रहा है। इस पर 25 जुलाई को उसको हिरासत में लिया गया। जयपुर में उससे पूछताछ की गई। मिश्रा ने कहा कि जवान ने बताया कि वह साल 2018 से भारतीय सेना में है। काफ़ी समय से व्हाट्सएप चैट तथा व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के द्वारा वह महिला एजेंट के संपर्क में था। मिश्रा ने बताया कि गुरनूर कौर उर्फ अंकिता छद्म नाम की महिला ने अपने परिचय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की महिला के रूप में दिया था। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि 24 वर्षीय शांतिमोय राणा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो मार्च 2018 से भारतीय सेना में कार्यरत है। वह पिछले काफ़ी समय से व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट के संपर्क में है। आरोपी को जयपुर लाने के बाद राज्य विशेष शाखा के शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का मोबाइल फोन तकनीकी विश्लेषण के लिए सीज कर FSL जाँच के लिए भेजा गया है। दोस्तों, आज के समय में नए जवानों को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन देश येन केन प्रकार से वह भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी हासिल करना चाहता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सैनिक जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएँ। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी यूट्यूब चैनल। जय हिंद।